दोस्तों क्या आप भी एयरटेल सिम को बंद करना चाहते हैं? मान लेते हैं आपका सिम चोरी हो गया हो या गुम हो गया हो, कोई सा भी रीज़न हो दोस्तों, अगर आप अपने एयरटेल सिम को बंद करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आप फ्री में एयरटेल सिम को बंद कर सकते हैं। बस आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, उस फ़ोन में एयरटेल का सिम होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आपके पास मेरा अभी तो ये स्मार्टफोन है, आपके पास कहीं कीपैड फ़ोन होगा जो बटन वाला, उससे भी आप बंद करवा सकते हैं। तो जो मैं सिम जो बंद करवाने वाला हूँ दोस्तों, वो इस फ़ोन में है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस फ़ोन में है। तो जैसे कि आपको कन्फर्म करवा देता हूँ ये सिम अभी चालू है या बंद है, तो मैं यहाँ से कॉल लगाकर आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो कस्टमर केयर नंबर होता है वो 198 होता है, तो मैं स्पीकर को ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पर सेकंड भी चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, स्क्रीन शॉट नहीं है, देख सकते हैं लाइव वीडियो में देख रहे हैं, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा आवाज़ भी आ रहा होगा। तो दोस्तों ये अभी सिम चालू है, मैं कन्फर्म करवाने के लिए आपको यहाँ से आपको दिखा दिया हूँ, से अभी इससे कॉल लग रहा है दोस्तों। तो मैं बंद करके भी बताऊँगा कॉल नहीं लगेगा दोस्तों। तो आपको कहीं से भी आपको एक फ़ोन ले लेना है दोस्तों, वो कीपैड फ़ोन हो मतलब बटन वाला या स्मार्टफोन हो, उसमें एयरटेल सिम होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि इसमें एयरटेल सिम है दोस्तों, तो मैं यहाँ से जब जहाँ नंबर आप डायल करते हैं वहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको नंबर आपको 121 इस तरह से डायल करना, यानी 121 आपको डायल कर देना है और कॉल पर क्लिक कर देना दोस्तों। मैं आपको सुना देता हूँ। एयरटेल में आपका स्वागत है, एयरटेल 5G। तो दोस्तों कॉल करने के बाद एयरटेल में स्वागत है ये वो बोलेगा दोस्तों। तो आपको कुछ भी नहीं दबाना है, आपको थोड़ा सा आपको वेट कीजिए, क्या दबाना है? फिक्स लाइन के लिए 2 दबाएं, पोस्टपेड संबंधित जानकारी के लिए 3 दबाएं, एयरटेल डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए 4 दबाएं। तो दोस्तों ये गलती से 3 दबा गया था, आपको एयरटेल डिजिटल बोलेगा ना, तो डिजिटल 4 नहीं दबाना है, 1 इंटर स्लिप कर देना दोस्तों। 20 जून। तो दोस्तों यहाँ पर बोलेगा आपका प्लान कितना है, एक्सपायरिंग कितना हो दिन में हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से अगर आपको एयरटेल कस्टमर से बात करने में कोई सा दिक्कत हो रहा है दोस्तों, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा दोस्तों, वहाँ पर पूरे डिटेल में बताया हूँ किस तरह से एयरटेल कस्टमर से आप बात कर सकते हैं दोस्तों। जिसमें से 1.16 GB डेटा बच, कुछ भी नहीं इंटर करना है दोस्तों, मोबाइल पर आए हुए SMS में आई लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर जो 3 आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, 3 गलती से दबा गया था, आपको कुछ नहीं दबाना है, मैं बबताया था 1 दबाने के लिए, डिजिटल जो बोल देगा 4 दबाने के लिए, तो 1 ही दबाना है। इंटरनेट का काम ना करने, कॉल करने या रिसीव करने या SMS ना भेज पाने से संबंधित समस्या की रिपोर्ट करने के लिए 1 दबाएं। अकाउंट से संबंधित जानकारी जैसे डेटा बैलेंस, टॉक टाइम बैलेंस और वैधता, बेस्ट ऑफर्स, रीसेंट रिचार्ज, 5G पर अधिक जानकारी, थैंक्स रिवॉर्ड्स और कूपन के लिए 2 दबाएं। सिम खोने की रिपोर्ट, सिम बदलने की स्थिति, ई सिम अपग्रेड, हेलो ट्यून, DND और अपना मोबाइल नंबर या PUK जानने के लिए 3 दबाएं। अपना नंबर पोस्टपेड में बदलने के लिए, नया प्रीपेड कनेक्शन खरीदने के लिए, ऑनलाइन रिचार्ज करने के लिए, अपनी IVR की भाषा बदलने के लिए या अपने नजदीकी रिटेलर को जानने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। कुछ भी नहीं इंटर करना दोस्तों, कुछ भी नहीं इंटर करना है। दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य सूची के लिए 8 बोलेगा, तो सिंपल सी 1 ही इंटर करना है दोस्तों, 8 आपको इंटर नहीं करना है दोस्तों। यदि आप डेटा सेवाओं या इंटरनेट का उपयोग करने में असमर्थ है तो 1 दबाएं। यदि आप कॉल करने या प्राप्त करने में असमर्थ है तो 2 दबाएं। SMS से संबंधित समस्या 3 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको कस्टमर केयर से बात करने के लिए 9 इंटर कर देना है दोस्तों, उसके बाद कुछ भी नहीं इंटर करना है दोस्तों। 3 मिनट के लिए 50 पैसे की दर से चार्ज की जाएगी। अगर आपका कॉल 1-to-1 अधिकारी को ट्रांसफर करना है तो कृपया 1 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल सी 1 इंटर कर देना, उसके बाद कुछ भी नहीं, आपको डायरेक्ट अब कॉल लगेगा दोस्तों। कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है, ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार एयरटेल में आपका स्वागत है, मैं हेमंत आपकी इस प्रकार सहायता कर सकता हूँ?
सर मेरा एक सिम बंद करवाना है, थोड़ा देर पहले मेरा फ़ोन गुम हो गया था। नंबर बताइए। 9117। नंबर की सुरक्षा के लिए बताइए, नंबर किसके नाम पे एक्टिवेट था, डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना पूरा एड्रेस बताइए। पूर्वी चंपारण, पिन कोड 84-53-02। मोबाइल किस कंपनी का था? मोबाइल जो है रियलमी कंपनी का था। लास्ट रिचार्ज कितने रुपये का हुआ था इस नंबर पर? उस पर तो 239 रुपये 39। आपके द्वारा दी गई जानकारी सिस्टम से वेरीफाई हो गई है, मेरे द्वारा इस नंबर के यहाँ से बंद कर दिया जा रहा है जानकारी। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने कॉल के जरिए कस्टमर से किस तरह से बात करके मैंने इस फ़ोन में जो सिम था वो बंद करवा दिया हूँ दोस्तों। तो एक सेकंड मैं आपको क्लियर बता देता हूँ ये सिम बंद हुआ है या नहीं बंद हुआ है, मैं आपको कॉल लगा कर बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों ये तो सिम यानी अभी तो मैंने बंद करवाया था, अब देखता हूँ कॉल लगाकर से लग रहा है कि नहीं। तो 198 पर इस तरह से कॉल लगाता हूँ, कुछ भी अगर नहीं बंद हो गया हो तो डायरेक्ट कट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा दोस्तों। सॉरी वोरी देख सकते हैं ये कॉल नहीं लग रहा है दोस्तों, ये इसका सेकंड भी नहीं चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं सेकंड भी नहीं चल रहा है। सॉरी वोरी बोल देगा दोस्तों, कट हो गया। मैं एक बार और किसी नंबर पर मैं ट्राई कर देता हूँ, मेरा एक नंबर है उस पर। तो मेरा ये नंबर है दोस्तों, इस पर मैं ट्राई करता हूँ सही से लग जाए, नहीं लग रहा है दोस्तों। देख सकते हैं मैंने दो नंबर ट्राई कर लिया दोस्तों आपके यानी बताने के लिए कंफर्म। देख सकते हैं मैंने लाइव प्रूफ बताया से ये नंबर अभी एयरटेल का जो है बंद हो गया है। तो दोस्तों कितने लोग बोलते हैं हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं दोस्तों, तो 3 महीने तक ले आप रिचार्ज नहीं कीजिएगा, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा दोस्तों। अभी तो ये बंद हुआ है दोस्तों, तो आप यानी कि कभी भी 3 महीने के अंदर में आप चालू करवा सकते हैं। अगर आपको हमेशा के लिए बंद करना है दोस्तों तो 3 महीने तक ले इसे यानी कि आपको ओपन नहीं करवाना है या मतलब नहीं हुआ इसे चालू नहीं करवाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक से ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से एयरटेल सिम को बंद करवा सकते हैं। कोई से भी दिक्कत आपको हो रहा है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है, वहाँ पर जो भी आपका दिल का बात होगा वहाँ पर लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, आपके लिए बनाने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत लगा आप लोग देख लीजिएगा। और आपको चैनल पर नहीं है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दे दोस्तों, इसका पैसा थोड़ा भी नहीं लगता दोस्तों, आपको सेकंड भी नहीं लगेगा ऐसा करने में।